गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हमने प्रेप क्लास में भी करे हैं और अब हम फर्स्ट क्लास में भी करेंगे, जिसमें हम वॉवल्स, वी से वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, जिसमें हम यूज करते हैं ए एंड एन। ए इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड्स। ए कहाँ यूज होता है? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड्स लाइक, अब यहाँ पे ए टॉर्टाइज, देन देयर इज ए बोट, ठीक है। और एन कहाँ यूज होता है? बिफोर वॉवल। वॉवल कौन से? हमारे फाइव वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। एन इज यूज बिफोर वॉवल साउंडिंग वर्ड्स। फिलप्स हैं जिसमें हमें ए एंड एन को यूज करना है। हमें फिलप्स दे रखे हैं और साथ में वर्ड दे रखा है, तो अभी हमें उसमें पहले देखना है कि कौन से वर्ड के साथ हम ए लगाएंगे और कौन से वर्ड के साथ हम एन यूज करेंगे। सो ए, अब ए है हमारा फर्स्ट, बिफोर वॉवल है, बिफोर वॉवल आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एन। देन एन एग, ई, ई हमारा बिफोर वॉवल हो गया, साउंडिंग वर्ड हो गया। देन कंसोनेंट बिफोर हो गया साउंडिंग वर्ड, तो ए बोट। ऑक्टोपस, ए ई आई ओ यू, तो ओ हमारा क्या है? वॉवल है, सो एन ऑक्टोपस। बुक, बी, कंसोनेंट बिफोर कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड, तो ए बुक। ए टॉर्टाइज। एन इंसेक्ट, आई, आई और यहाँ टी है, आई इज अ वॉवल, बिफोर वॉवल साउंडिंग वर्ड। देन अगेन ए इज ए बिफोर वॉवल साउंडिंग वर्ड, एन एंड। देन एन ऑरेंज, देन एन एम्बुलेंस, देन ए चेन, ए डोंकी, ए कंप्यूटर। सो दीज ऑल आर बिफोर कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड्स। एन इरेजर, ई, एन अम्ब्रेला, ए केक, देन ए मोबाइल, एन ईग्लू, ए रिबन, ए चेयर, ए कर्टन, ए बेल्ट। सो यू अंडरस्टूड? सो यू आर जस्ट गोइंग टू डू ऑल दीज 22 वर्ड्स अलॉन्ग विथ योर ए एंड एन इन योर इंग्लिश कॉपी। वी विल कॉन्टिन्यू विथ आर नेक्स्ट पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू यूज इज, एम एंड आर। अब ये हमारे इज क्या है? इज, आई एस, इज, ए एम एम और ए आर ई आर। इज हमारा कहाँ यूज होता है? ओनली सिंगुलर में, जहाँ वन, ओनली वन थिंग रहेगी। और एम कहाँ यूज होगा? आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, आई एम रीडिंग, आई एम डांसिंग, आई एम गोइंग टू पिकनिक। सो आई, मैं कहाँ जा रही हूँ? आई मैं, तो मैं के साथ हम एम। और आर मोर देन वन थिंग, प्लूरल्स, सो मोर देन वन, ये तो मोर देन वन हो जाएगा हमारा, प्लूरल्स हो गए, दीज आर मोर देन वन और दिस इज ओनली वन। सो इज, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए कबर्ड, दिस इज ए, ही इज डांसिंग, ही ओनली वन, दे आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग, दे आर गोइंग फॉर अ पिक्चर, दे आर गोइंग फॉर अ मूवी, दे आर हैविंग देयर टेस्ट। सो इज, एम और आर हमारा कहाँ यूज होगा? फॉर्मली वी आर जस्ट गोइंग टू यूज नाउ इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज ए बॉय, ही इज ए शॉपकीपर, ही आ जाएगा, लेकिन देर इज ओनली वन। आई एम गोइंग टू मार्केट, ए चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, ए है चाइल्ड, ओनली वन, चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन आर क्राइंग लाउडली, बट यहाँ ओनली वन है, तो ए चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो मोर देन वन में हमने ए ई आर, ए आर ई लगाया, आर। यू, यू के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? आर। यू आर प्लेइंग चेस अलोन, तुम अकेले चेस खेल रहे हो। मीरा इज ए गुड सिंगर, मीरा ओनली वन, गर्ल, गर्ल का नाम है, मीरा किसका नाम है? गर्ल का, तो हमने क्या यूज किया? इज।
शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वो जो भी शी पर्टिकुलर कोई लड़की, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ट्रीज आर ग्रीन एंड टॉल. अब यहां अगर सिर्फ एस ना होके ओनली ट्री होता तो हम क्या लगाते, ट्री इज ग्रीन एंड टॉल, लेकिन जब हमने एस लगा दिया मोर देन वन हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रीज आर ग्रीन एंड टॉल. देन इट इज शिप्रा एंड अमन. अब गर्ल भी है और बॉय भी है. आर प्लेइंग, दे बोथ आर प्लेइंग. गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज, बहुत सारी गर्ल्स डांस कर रही हैं. माय टूथ इज पेनिंग, मेरा टूथ, मेरा दांत दर्द हो रहा है. माय टीथ आर पेनिंग, है ना, तो अब टीथ नहीं है यहाँ पे, टूथ है, तो टूथ इज यूज फॉर ओनली वन सिंगुलर फॉर्म. योर टीथ आर क्लीन एंड वाइट, तुम्हारे दांत जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वाइट है. दे आर टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आ गया. दे आर बहुत सारे, मोर देन वन. इट इज अ बिग हाउस, ये बहुत बड़ा हाउस है. देयर आर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, बहुत सारी बर्ड्स बैठी हैं कहाँ पे, पेड़ पर. सो कंप्लीट दिस बोथ एक्सरसाइजेस इन योर इंग्लिश कॉपी, राइट इट नीटली, एंड वी आर गोइंग टू डू मोर एक्सरसाइजेस टू अंडरस्टैंड ऑल दीज रूल्स एंड ये इज एम एंड आर एस ए एंड एन ऑल्सो. सो इन अदर वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डू मोर एक्सरसाइजेस. थैंक यू.